अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, तुम मुझे सेनापति बना तो मैं पांचों पांडवों का मस्तक काट के लाऊं तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए लाऊं। अरे जिसके सिर पर ठाकुर बैठा होवे उसका कोई बाल बाका करे। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बारन बाको कर सके जो जग बेरी हो। दोहा तनवारों सकी जन को कहा बिगार, नारायण रखवार जब जाके भुजा हजार। बेरी बपुरा क्या करे हरि जब रखनहार, बेरी के दो हाथ है हर के हाथ हजार। आज पांचों पांडवों को गोविंद ने एक नई जगह सुलाया। जहां पांचों पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के पांच पुत्रों को सुला दिया, और अश्वत्थामा ने उल्लू को गुरु बनाया। सोते हुए पक्षियों को मार रहा मैं, सोते हुए पांडवों को मारूं, लेकिन ये समझ नहीं पाया कि परमात्मा श्री कृष्ण उनके साथ में है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांच पुत्रों को पांचों पांडव समझा, उन्हीं का मस्तक काट के ले गया। सवेरे द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए आई। जागो जागो, जागो रे मेरे राज दुलार, जागो रे मेरे राज दुलार, जागो रे मेरे राज दुलार, जागो जागो जागो। जागो 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 जागो। अपने बच्चों को जगाने के लिए आई है द्रौपदी, लेकिन वहां बच्चे नहीं, बच्चों का धड़ पड़ा हुआ मुंड नहीं है, खून की धार बह रही है। एक मां जानती है एक बच्चा भी दुनिया से उसका विदा हो जाता तो कितना कष्ट होता है, जिसके पांच ही पुत्रों और पांचों ही विदा हो गए हों, तो इस बेरहमी से मारे गए हों। उस मां का कलेजा द्रौपदी मूर्छित हो गई। अर्जुन ने कहा, जिसने तेरे बच्चों को मारा मैं उसको पकड़ के लाता हूं, तू जो कहे दंड अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। बोल क्या दंड दो?
अरे माही माँ के दुख को जान सकती, जाके पावन फटी बिवाई हो क्या जाने पीर पर आए। तरफ दी रो पड़ी मुचता मुचता से ब्राह्मणों नित राम गुरु, ब्राह्मणों नित राम गुरु। मेरे प्राणाराध्य, एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे आपके गुरु के पुत्र है। इनके पिता द्रोणाचार्य तो रहे नहीं, इनकी माँ के लिए यही एक सहारा है। यदि आप इन्हें भी मार डालेंगे, इनकी माँ की आंख से दुख के आंसू निकलेंगे, तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण का दिल दुखाने से वंश नष्ट हो जाता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूसु रोसु। यदि इनके मरने से मेरे पांच बच्चे जीवित हो तो मार डालिए, और पांच तो जीवित हो ही नहीं, ये एक और मर जाए तो क्या फायदा। मुचता मुचता में से ब्राह्मण नित राम गुरु, नित राम ब्राह्मणो नित राम गुरु, ब्राह्मणो नित राम गुरु। एक तो ब्राह्मण मत मानिए, गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र गुरु जैसा ही होता है। आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। अर्जुन तो छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन भीम चिल्ला पड़ा, मैं तेरा बड़ा भाई होके कहता हूं मार डाल। किसकी बात माने? अर्जुन असमंजस में गोविंद को पूछने लगे, भैया तू बताने क्या करूं, ठाकुर ने कहा क्या करेगा तू जाने। हाँ, क्या करना चाहिए मैं बताता हूं, बता। ब्राह्मणो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्ये। ब्राह्मण है, मारेगा तो पाप लगेगा, लेकिन आतताई बधारण। आतताई है, छोड़ेगा तो भी पाप लगेगा। अरे नटखट, तेरी इस अटपट भाषा को झटपट कौन समझे? तूने मेरे को और खटपट में डाल दिया। यदि गोविंद नारायण अवतार है, तो हमारा अर्जुन भी नरावतार है। पांडवानाम धनंजय। पहले ठाकुर ने कहा है, संभावितस्य चाकृते मरणादिति रेच्यते। किसी सम्मानित व्यक्ति को भरी सभा में अपमान करना मृत्यु दंड से बढ़कर के दंड है, और एक बार यदि मैं इसको अपमानित कर दूं तो इसकी मृत्यु भी हो गई और मैंने मारा भी नहीं, दोनों बात निभ सकती है। मस्तक में मणि थी, तलवार से निकाल ली मणि को और सबके बीच में धक्का देकर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने संकल्प किया, तूने मेरा अपमान किया इसलिए मैं तेरा वंश नष्ट करूंगा। बालक गलती करे, थप्पड़ मारो तो सुधर जाता है, पर सांप फुफकार मारे, आपने सांप को थप्पड़ मारा, सांप सुधरेगा नहीं ना? नीति कहती या तो सांप को छेड़ो मत, और यदि छेड़ो तो फिर छोड़ो मत, नहीं तो आपको नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा सांप की तरह है, इसने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। दूर से ब्रह्मास्त्र को आते देखा है उत्तरानी, अपनी सास सुभद्रा के पांव में गिर के रोने लग गई। मां एक बार मामा से कहो ना मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करे, नहीं तो मेरा लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। मां
सुभद्रा ने कहा, मैंने मेरे बेटे के लिए नहीं कहा था, मैं तेरे बेटे के लिए क्या कहूं। सुभद्रा कौन? भगवान कृष्ण की छोटी बहन। उसको भरोसा है मेरा कन्नू जब दुश्मन का बुरा नहीं कर सकता तो मैं तो उसकी छोटी बहन हूं, क्या वो मेरा बुरा करेगा? मैं तो नहीं कहती। तेरे को कहना तो तू कह ले। रक्षा अपेक्षा में अपेक्षा थी। यदि तुम्हें रक्षा की अपेक्षा है एक बार उसको याद तो करो। उत्तरा ने कहा, यदि आप कहना नहीं चाहती मामा को एक बार बुला तो दो। सुभद्रा ने कहा, तेरे मामा को बुलाने की भी दरकार नहीं है, याद करना तुरंत आएगा। याद किया, सुन ले पुकार आए आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सामने। सुन ले पुकार आए आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सामने। मैं तो तुझको पुकारूं मेरे सामने, मैं तो तुझको पुकारूं मेरे सामने। सुन ले पुकार आज तेरे पार लेके आंसुओं की धार मेरे सामने। सुन ले पुकार आई मेरे सामने। ठाकुर ने अपने बच्चों से उतना प्रेम नहीं किया जितना सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु से प्रेम किया है। जब तक अभिमन्यु को गोद में बैठा कर ठाकुर ने खिलाया नहीं तब तक ठाकुर के गले से नीचे नहीं उतरा। अभिमन्यु को गोविंद ने शस्त्रास्त्र कला सिखाई है। जिस दिन अभिमन्यु की शादी थी गोविंद को कितनी प्रसन्नता थी। अभी तो हाथों की मेहंदी पांव की महावर का रंग हल्का नहीं हुआ है और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त कर गया और उसकी पत्नी श्वेत साड़ी पहने हुए गंगा की धार की तरह ठाकुर को याद करके रोने लगी। ठाकुर झट उतर आए। उतरे, यदि तूने अपने पति के लिए भी एक बार ऐसे कहा होता तो मैं उसको जीवित करके लाता, मैं भी तेरा धैर्य देख रहा था। मामा मेरी रक्षा कर। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। हे देवादि देव जगतपते, सुन ले पुकार आज तेरे द्वार लेके